माय यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो अभी हम हो चुके हैं रेडी क्योंकि हमें जाना है दाऊत पे फिर साल जो होता है कश्मीरी में मेरे मामा के घर में है हमें फिर साल तो चलिए जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो में बने रहेगा यहाँ पे ये रही मेरी सारी कज़न हम सबको आज जहाँ तो फाइनल यहाँ पे खाना आ चुका है और अब हम इसमें ला कर के करते हैं अपना खाना स्टार्ट और ये है लास्ट पे वारे वारे। उसके बाद हमें घर पे आए थे कुछ मेहमान रात के टाइम तो यहाँ पे हम लोगों ने उनके लिए चाय वाय तैयार की थोड़ा सा ये टेस्ट करती हूँ ये फिश कबावर ये मियाँ मेहमान चले गए हैं यहाँ से इन लोगों ने नहीं खाया कुछ अच्छा थोड़ा सा खाया है तो भी मैं बैठती हूँ यहाँ पे बाहर काफी ठंड भी है कैसे आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे भी रखे आमीन तो ये जो आपने अभी तक का व्लॉग देखा ये मैं कल गई थी अपने मामा के वहाँ जो कि हमें वहाँ पे दावत थी फिर साल जिसको बोलते हैं कश्मीरी में मैंने आप लोगों को बोला भी तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि सारी कज़न्स को साल था जिस जिसकी शादी हुई है तो वो मेरे लिए एक ऐसा टाइम था कि मैंने सोचा कि ये टाइम स्पेंड करते हैं अपनी कज़न्स के साथ क्योंकि जो शादी के बाद वाली फीलिंग होती है कज़न्स से मिलने की तो वो अलग ही लेवल की होती है क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं हमें पता नहीं होता है आज कौन कहाँ पे है कौन कहाँ पे है तो इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया हमने मज़े किए इन्जॉय किया बहुत तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे भी व्लॉग बनाने बैठूँ तो इन सब से बात नहीं हो पाएगी अच्छी सी इसलिए मैंने फ़ोन साइड में रखा और उनसे बहुत मज़े किए मैंने चलो खैर तो फिर हम वहाँ से आए आज नेक्स्ट डे है मैंने सोचा बैठ के आप लोगों से कुछ बातें करती हूँ काफ़ी टाइम से मैं ये बात करना चाहती थी बट नहीं कर पाई एक्चुअली मैंने सोचा है कि कुछ टाइम के लिए मैं ब्रेक लेती हूँ व्लॉगिंग से और मुझे पता है वह डिफ़िकल्ट है आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा लेकिन इससे पहले भी मैंने कई बार सोचा कि बस अब फिलहाल रहने देते हैं कुछ टाइम के लिए बट पता नहीं क्यों मैं बार बार फिर बनाती थी ब्लॉग चलो कोई नहीं एक गया तो दूसरा नहीं डालूंगी दूसरा गया तो तीसरा नहीं डालूंगी ऐसे ही पता नहीं मैंने कितने ब्लॉग्स डाले चलो खैर कोई नहीं होता है तो आज मैंने सोचा फाइनली बैठ के आप लोगों से बात शेयर करूँ तो मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ तो मुझे नहीं पता ये मेरा लास्ट वीडियो है या इसके बाद एक वीडियो या दो मतलब तो अगर आए या तो ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा या इसके बाद मतलब एक दो वीडियोस आएंगे अगर आए मुझे कंफर्म तो नहीं है तो जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी वो भी मैंने अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट की थी किसी ने मुझे ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया था कि तुम तो व्लॉगिंग करो वो मेरी अपनी मर्जी दिल की ख्वाहिश थी व्लॉगिंग की करने की तो मैंने करी तो ये भी मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी ब्रेक लेती हूँ क्योंकि आ, मेरा मानना है कि व्लॉगिंग के लिए टाइम होना चाहिए टाइम वो चीज़ है मुझे लगता है जो व्लॉगिंग के लिए होना चाहिए बाकी कुछ मैटर नहीं करता तो वो मेरे पास बहुत कम है टाइम तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी सी मैं ब्रेक लेती हूँ तो मुझे पता है बहुत मुश्किल है आप लोगों को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हमारी जो है जर्नी है काफ़ी टाइम से आप लोग इतने अटैच हो मैं इतनी अटैच हूँ आप लोगों से मतलब कितने टाइम से लगभग एक साल से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ इतने सारे लोग मुझे जानते हैं तो एक अलग ही अटैचमेंट होती है बट कोई नहीं आ, मेरी खुशी इसी में थी कि मैं हमेशा से एक बात सोची थी कि मैं स्कूल से निकली जितने भी मेरे स्कूल में फ्रेंड्स हैं काश मेरे साथ हमेशा कनेक्ट रहे मैं हायर सेकेंडरी में थी काश ये सारे जब हम यहाँ से निकले ये मेरे साथ कनेक्ट रहे बट फिर मैंने सोचा ब्लॉगिंग एक ऐसा जरिया है जिससे मुझे सारे देखेंगे कहीं कही ना कहीं मैं जब कमेंट्स देखती हूँ कोई मुझे कमेंट करता है मैं वो हूँ आप मुझे जानती हो मैं आपकी क्लासमेट थी तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है कि अभी भी हम कनेक्ट हैं एक दूसरे से तो खास मैंने उसी के लिए ब्लॉगिंग की थी तो अब मैंने सोचा है कि कुछ टाइम के लिए मैं ब्रेक लेती हूँ हाँ तो बहुत मुश्किल है मतलब मतलब क्या मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है मैं क्या बोलूँ काफ़ी ही मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि इतने टाइम से ब्लॉगिंग करना फिर एकदम से ब्रेक लेना मुझे नहीं पता है ये ब्रेक कब तक है कब मैं और स्टार्ट करूँगी नहीं भी करूँगी मुझे कंफर्म नहीं है बट मैंने सोचा कुछ टाइम की ब्रेक मुझे चाहिए इन शह आप लोग मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे अपनी स्पेशल दुआओं में याद रखेंगे कि मेरा नाम लेके ठीक है आप मेरे लिए हमेशा दुआ किया करें कि हम अल्लाह मुझे सारी खुशियां दे मेरी हर दुआ को बोल करे मेरी भी दुआ है आप सब भी कामयाब हो अपनी लाइफ में तो भूलना नहीं है मुझे चाहे मैं ब्लागिंग छोड़ दूँ या कुछ भी बट आप लोग मुझे कभी नहीं भूलोगे मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे हमेशा अपनी स्पेशल दुआओं में याद रखोगे तो वो दी के लिए आप हमेशा दुआ करोगे मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप मुझे कभी नहीं भूलोगे और मेरी दुआ भी आप लोगों के साथ है आप लोग भी खुश रहे अगर कभी मेरी वजह से मैंने किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया होगा या किसी का किसी का नाम नहीं लिया होगा वैसे मैं सबके लेती हूँ मुझे जब याद रहता है कभी भूल जाती हूँ कभी कुछ तो तो फिर आप लोगों का हर्ट भी होता है तो उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना अगर किसी को भी मेरी वजह से कभी भी बुरा लगा कुछ भी तो उसके लिए मुझे आप लोग माफ़ करेंगे और तो हम इस जो ब्लॉग है मेरा आज का इसको हम एंड करते हैं तो इन मिलेंगे कभी अगर ज़िंदगी रही तो इनशल जल्दी मिलेंगे तो आप लोग भी दुआ किया करें तो लव यू ऑल अपनी दुआ में मुझे याद रखना अल्लाह हाफिज़